हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये वीडियो में हम बात करने वाला है आपके कपड़ों के बारे में जो आप वैलेंटाइन डे पे पहन सकते हैं। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, आपको सेक्सी तो दिखना है वैलेंटाइन डे पे। और जो लोग मतलब लड़कियां कहती है ना कि लुक डजेंट मैटर, हम लुक देख के नहीं मतलब किसी लड़के को प्रपोज करते या फिर किसी लड़के के साथ रिलेशन में आते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बकवास होती है। अगर आप कहीं जा रहे हो और लड़की सामने से आ रही है तो लड़की आपको जज आपके कपड़ों के ऊपर ही करेगी। मतलब उसको पहले ही पता नहीं चल जाएगा कि भाई इसका नेचर ऐसा है, इसके साथ मैं रिलेशन में आ सकती हूँ, ब्ला ब्ला। ये सारी बचकानी बातें होती है। लड़की आपके कपड़े और आपके लुक्स को देख के ही आपको जज करेगी। आपको हमेशा सिंपल और सेक्सी दिखना है। और वैलेंटाइन भी हमारा यही मोटो है कि आप हो सके उतना सेक्सी, मतलब छपरी वाले टाइप नहीं, मतलब सिंपल एंड सॉबर और सेक्सी कैसे दिखे। तो गाइज, ये वीडियो को एंड तक देखना ना भूले क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हम सबसे पहले टॉप से लेकर बॉटम तक सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो टॉप पे हम बात करते हैं तो हमारे हेयर के बारे में बात करते हैं। तो हेयर में हमें प्रॉपर अपने बाल को ग्रूम करके रखना है, प्रॉपर सेट कर देना है। हेयर और बियर्ड हम दोनों को, इन दोनों को सेट करके प्रॉपर सिंपल एंड सेक्सी रखना है। मतलब लंबी बियर्ड रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लंबी बियर्ड अच्छी लगेगी। पर अगर आपको पैची बियर्ड की प्रॉब्लम है तो आप इसे अपनी बियर्ड को लॉन्ग ना करें, शॉर्ट और ट्रिम करा दें। मतलब पैची बियर्ड और लंबी होगी वो मतलब बिल्कुल बकवास दिखेगा, पर पैची बियर्ड है और आपने थोड़ी सी शॉर्ट रखी है वो सिंपल और सेक्सी दिखेगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके बाल क्या होते हैं कि कई बार लंबे होते हैं और पैची बियर्ड होती है तो कर्ली बाल आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे अच्छा आप ट्रिम करा दें और प्रॉपर सेट रखें। अगर आपको अपने बालों में मतलब प्रॉपर अपने बालों को सेट रखना है तो आपको वैक्स लगानी चाहिए। मतलब आप दिन में मतलब हफ्ते में एक दो बार लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। और उसमें भी अगर आप पाउडर वैक्स लगाते हैं तो पाउडर वैक्स आपके बालों को ज़रा सा भी डैमेज नहीं करेगी। पाउडर वैक्स के बारे में अगर आपको जाना है तो ऊपर सजेशन में वीडियो आ गया होगा, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए। उसमें मैंने बताया कि पाउडर वैक्स और नॉर्मल वैक्स में फ़र्क क्या है। तो आपके बाल और बियर्ड तो सेट हो गए, उसके बाद हम ग्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली मैं भी ग्लासेस पहनता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ऐसे ग्लासेस मैं पहनता हूँ। तो ग्लासेस आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं ग्लासेस तो आप पहन सकते हैं। पर अगर आपको ग्लासेस का शौक नहीं है तो निकाल दीजिए। पर अगर आप कहीं रात में जा रहे हैं तो हो सके तो सनग्लासेस ना पहने। मैंने कितने लोगों को देखा है कि होटल में रात को जाते हैं डिनर के वक्त और सनग्लासेस पहन के जाते हैं, मतलब वो बहुत बकवास दिखता है। मतलब आप रात को क्यों सनग्लासेस पहनते हो? तो आपको रात को सनग्लासेस नहीं पहनने। आपको बाल और आँखें के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, आपकी बियर्ड भी सेट हो गई। अब हम क्लोथिंग और एसेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एसेसरीज़ में आप ये देख सकते हैं, वॉच एक मेन एसेसरीज़ है। वॉच और रिंग आप कोई भी पहन सकते हैं। मैंने ये गोल्ड की रिंग पहनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको गोल्ड की रिंग पहननी है, कोई भी रिंग पहन सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका हाथ एकदम मस्कुलर और मतलब मैनली दिखेगा। और अगर आपके हाथ में वॉच है तो आपकी पर्सनैलिटी मतलब ए टू जेड मतलब कंप्लीट हो गया आपका लुक। अगर आप वॉच पहनते हो सबसे पहले आपको मतलब सामने वाली लड़की को लगेगा भाई नहीं ये पंचुअल है, अपने टाइम का परफेक्ट है, ऐसा लगेगा। और आपके हाथ को भी मतलब ये मस्कुलर बना देगा। तो वॉच अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ही रेकमेंड करूँगा, ये सिम्बॉल कंपनी की वॉच है। सिम्बॉल कंपनी की वॉच मैंने, अगर आप मेरे पहले भी वीडियोस देखते हैं तो मैंने हर बार सिम्बॉल कंपनी की वॉचेस आपको रेकमेंड की है। उसकी वॉचेस के ऊपर आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं करना है, सिंपल एंड सेक्सी बहुत अच्छी वॉचेस आती है। आप ये देख सकते हैं वाइट कलर और ब्राउन कलर का स्ट्रैप है यहाँ पर, सिंपल एंड सॉबर। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं आपके आउटफिट की तरफ। अगर आपको लेयर्स पसंद है तो लेयर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पर अगर आपको लेयर्स नहीं पहनने तो सिंपल एक ब्लैक शर्ट पहनना है। वैलेंटाइन डे के ऊपर आपको ब्लैक शर्ट ही पहनना है क्योंकि ब्लैक एकदम सेक्सी कलर होता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ब्लैक पहना तो आपका मतलब मामला सेट, आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। ब्लैक पहने शर्ट हो या टी शर्ट हो, पर आई प्रीफर आप शर्ट ही पहने। ये शर्ट मैंने अमेजोन पे से बाय किया था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ये शर्ट बाय कर सकते हैं। और अमेजोन में एक फ़ायदा ये है कि आपको 2-3 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। तो आपको वैलेंटाइन डे मतलब अभी थोड़े दिन बाकी है तो आप ये ऑर्डर करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये शर्ट आपको बाय करना है। अगर आपको लेयर्स पहनने हैं तो लेयर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि आप डेनिम जैकेट पे कैसे पहन सकते हैं। तो ये फोटो में आपको दिखा देता हूँ, ये फोटो में देख सकते हैं मैंने एक डेनिम जैकेट पहना है। मैंने क्या किया है, नीचे जीन्स पहने, उसके नीचे बूट्स और उसके ऊपर मैंने एक टर्टल नेक वाली टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर मैंने डेनिम जैकेट पहन लिया। ये प्रॉपर बैड बॉय लुक हो जाता है। और आपको डेनिम जैकेट भी पहन लिया मैंने और एक ब्लैक कलर की टर्टल नेक वाली टी शर्ट, मतलब मेरा ब्लैक कलर भी हो गया और डेनिम जैकेट मतलब लेयर्स भी मैंने पहन लिया। तो सिंपल एंड सेक्सी बहुत अच्छा दिखता है। पर आपको डेनिम जैकेट नहीं पहनना है तो मैं एक और फोटो दिखा देता हूँ। ये फोटो में आप देख सकते हैं मैंने एक स्वेटर पहने, अभी ठंडी तो मतलब थोड़ी सी कम हो गई है, पर ये स्वेटर मैंने रेड टेप कंपनी का ऑर्डर किया था। ये स्वेटर जो होता है वो बहुत मतलब पतला आता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐसा मोटा नहीं आता, आपको गर्मी नहीं लगेगी। पर आपको रात में इसे पहन के आप में बाहर जा सकते हैं, आपको इसे रात में पहन लेना है, उसके ऊपर वाइट शर्ट पहन लेना है, सिंपल एंड सेक्सी लुक कंप्लीट।
आपको लेयर्स पहने तो आप वैसे पहन सकते हैं, लेयर्स नहीं पहने तो एक ब्लैक शर्ट ऑलवेज बेस्ट। उसके बाद अपनी जब जीन्स के बारे में बात करते हैं, तो जीन्स में हमेशा मैं आपको दो चीज़ रिकमेंड करता हूँ, एक डेनिम जीन्स और एक चीनोस। चीनोस के बारे में मैंने आपको बताया, चीनोस आपको फॉर्मल में भी अच्छे लगेंगे, आप कैजुअल पार्टी में जा रहे कहीं पर भी चीनोस हमेशा ट्रेंड में रहे और रहने वाले। मतलब अगर हम जीन्स की बात करें तो हम सबको बताया कि जीन्स बहुत सेक्सी चीज़ है, आप कहीं भी पहने वो अच्छा ही लगेगा। इसलिए मैंने एक अमेज़ोन पे से जीन्स ही ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर का। ये यहाँ पे कंपनी का नाम रखा है सेवन सन्स एंड कंपनी प्रीमियम डेनिम। ये प्रीमियम डेनिम लिखा है, इसकी प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा 2000-3000 रुपीज़ नहीं है, आपके बजट में 1000 रुपीज़ के अराउंड ये आपको जीन्स मिल जाएगा। और ये जीन्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, ब्लू कलर का, इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। और जीन्स जो आते हैं मतलब वो नैरो टाइप के नहीं आते, नैरो टाइप जीन्स का मतलब ट्रेंड था पर अभी थोड़ा सा कम ही हो गया है। आपको जोड़े से मतलब जो बैगी जीन्स आते हैं वैसे बाय करने चाहिए, ये जैसे बैगी जीन्स हैं इसके नीचे आपको बूट पहन लेने चाहिए, पर आपके पास ये जीन्स तो होना ही चाहिए। अगर आप वैलेंटाइन डे के लिए बाय कर रहे हैं तो आई प्रीफर आप ये जीन्स पहने। और चीनोज आप पहन के जा सकते हैं, चीनोज आप मतलब वैलेंटाइन पे भी पहन सकते हैं, फॉर्मल पहन सकते हैं, मतलब कैजुअल पार्टी में जाते हैं वहाँ पे भी पहन सकते हैं, पर डेनिम तो आपको बाय करना है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप ज़रूर बाय कीजिए। उसके बाद हम डेनिम के बारे में बात कर लिए, अब फुटवेयर के बारे में बात करते हैं। फुटवेयर में तीन चीज़ें हमेशा ट्रेंड में रहती है, एक स्नीकर्स, उसके बाद आते हैं बूट्स, और उसके बाद आते हैं हाई टॉप वाले, मतलब जो लेदर बूट्स आते हैं वो। तो स्नीकर्स तो वाइट स्नीकर्स हमेशा ट्रेंड में ही, आपको भी पता है। तो अगर आपको बाय करना है कि स्नीकर्स मतलब हमारे बजट में 500 रुपये के अंदर कौन से स्नीकर्स ट्रेंड में है, तो ऊपर आपको सजेशन में आ गई होगी लिंक, उसमें बताया है कि वाइट स्नीकर्स आपको 500 रुपये के अंदर कौन सी कंपनी के बेस्ट मिलेंगे। उसके बाद हम बूट के बारे में बात करते हैं, तो मैंने एक बूट बाय किए थे, वो ब्राउन कलर के लेदर बूट थे, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। फ़ोटो क्या, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, सजेशन में आपको एक वीडियो आ गया होगा, उसमें मैंने बताया कौन से लेदर बूट्स आपको बाय करने चाहिए। और लेदर बूट्स के बारे में बात करें तो हाई टॉप वाले लेदर बूट्स जो आते हैं उसमें भी मैंने बताया, जो चेल्सी बूट आते हैं वो मतलब सिंपल एंड सेक्सी बहुत अच्छे दिखते हैं। चेल्सी बूट मतलब वेलवेट टाइप के शूज़ आते हैं, ब्लैक कलर के, हाई टॉप आते हैं, मतलब इसकी हील मतलब थोड़ी सी लंबी आती है, और अगर आपको शॉर्ट हाइटेड पर्सन है तो आपको कंपलसरी है बाय करना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो वो अच्छा लगेगा, आपको बाय करना चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 इंच आपकी हाइट बढ़ जाएगी, मतलब 2 इंच बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर अगर आप लड़की से मतलब हाइट में थोड़े से कम है आपको ये बूट बाय करनी चाहिए।